प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक की अध्यक्षता में देहरा ब्लॉक के डिपो धारकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डिपो धारकों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों को डिपो धारकों की समस्याओं के समाधान को डिपो धारकों के लिए जो आदेश जारी किए हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया गया। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक की अध्यक्षता में देहरा ब्लॉक के डिपो धारकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डिपो धारकों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों को डिपो धारकों की समस्याओं के समाधान व डिपो धारकों के लिए जो आदेश जारी किए गए हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया गया। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बो डिपो संचालक समिति देहरा ब्लॉक के प्रधान मोहिंदर सिंह ने बताया कि हाल ही में संघ द्वारा निजी डिपो धारकों व सहकारी सभाओं के विक्रेताओं की समस्याओं बारे एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को उनके गृह पर सौंपा था। इसमें डिपो धारकों को J&K, केरल, गोवा और तमिलनाडु सरकारों की तर्ज पर सरकारी कर्मचारी घोषित करने, खाद्य आपूर्ति निगम में प्रदेश भर में 90% गोदामों से डिपो धारकों को राशन तोलकर देना, डिपो धारकों को सहकारी सभाओं में 2013 से 2017 तक NFSA के राशन पर बढ़ा हुआ 27 महीनों के कमीशन केंद्र सरकार से दिलाए जाने इत्यादि मांगों पर गौर फरमाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से उनके लिए ठोस नीति बनाकर राहत देने की मांग उठाई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने आगे विभागीय अधिकारियों की ओर कार्रवाई करने की बात कही है। बैठक में देहरा ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रधान मोहिंदर सिंह को जबकि वरिष्ठ उप प्रधान महावीर सिंह को चुना गया। इसके अलावा नवल शर्मा, उप प्रधान सलाहकार संजय कुमार, महासचिव सतीश शर्मा, सचिव विजय कुमार, सह सचिव गुलवंत सिंह को चुना गया। डिपो एसोसिएशन प्रदेशाध्यक्ष से उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो एसोसिएशन का गठन किया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो हमें हमारा जो वर्ग है, इसको हमेशा जो है हर सरकारों ने हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की है, हमारा शोषण हुआ है और हम जो है वो संगठित हुए हैं। हम अपनी मांगों को लेकर जो है वो पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते आए हैं और इस बार भी हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से अपनी मांगों को लेकर हम सिराज विधानसभा क्षेत्र में मिले थे 14 जुलाई को, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड एंड सप्लाई को आदेश जारी किए हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करके मेरे कार्यालय को सूचित किया जाए। सर, तो आपकी डिमांड्स क्या थी? हमारी मुख्य डिमांड है कि हमें गोवा, केरला, तमिलनाडु व जम्मू कश्मीर की तर्ज पर सरकारी कर्मचारी घोषित करे सरकार।